ये मूवी सीरीज मल्टीपल चैप्टर्स में रिलीज की गई, इसलिए यदि आपको इसका आगे का चैप्टर्स देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। मूवी की शुरुआत में हम एक घुड़सवार व्यक्ति को देखते हैं जिसने एक लड़की को बंधक बनाया हुआ होता है और वो किसी जंगल के बीच से होकर गुजरता है। जंगल के अंदर दो लोग आग जलाकर खाना पका रहे होते हैं और आपस में ही कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तभी उनके पास वही घुड़सवार आता है जिसे देखकर उनमें से एक कहता है कि पेट्रोविच वापस आ गया। घुड़सवार जिसका नाम पेट्रोविच होता है वो इन दोनों का साथी होता है और बताता है कि उसे ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, बस ये लड़की मिली। जिसके बाद उनमें से एक इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ एक और घुड़सवार आ जाता है जिसके शरीर से कई सारे सींग निकलने लगते हैं और वो एक एक करके तीनों को मार देता है। इसके बाद वो उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर अपने चाकू से वार करता है, जिसके बाद उस लड़की के शरीर का खून बहते हुए उस रहस्यमय घुड़सवार के अंदर समा जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि ये रहस्यमय घुड़सवार किसी तरह का डीमन यानी कि शैतान है। इसके बाद फिल्म 1829 के समय में मुड़ जाती है जहां सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक डिटेक्टिव नेम कोवलेस्की और उसका असिस्टेंट नेम निकोलाय किसी हत्या के वारदात के लोकेशन पर आए होते हैं जहां एक लड़की का हत्या हुआ था। कोवलेस कहता है कि ये मिस ओटोन शिंक्या एलान है जिनका हत्या कर दिया गया और लाश थोड़ी बहुत जली हुई है, मतलब किसी ने लाश को जलाने की कोशिश की। वो अपने असिस्टेंट निकोलाय से सारी बातें लिखने को कहता है और तभी वारदात सीन पर एक और डिटेक्टिव जिनका नाम याको पेट्रोविच होता है आते हैं और कोवलेस्की से मिलते हैं। वो दोनों वारदात सीन की जांच कर ही रहे होते हैं कि तभी निकोलाय को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं जिसके असर में वो अनजाने में कागज पर कुछ नाम लिख देता है। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोलाय के पास जाते हैं और पीछे से कोवलेस बोलता है कि अब तुम्हें फिर से दौरा पड़ गया, जिस पर याको पेट्रोविच पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम गोगल है। निकोलाय अपना फुल नेम गोगल निकोलाय बताता है और दोनों डिटेक्टिव फिर से इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि मिस ओटांचिकिया एलेना किसी व्यापारी से शादी करने वाली थी और शायद कोई मिस ओटांचिकिया एलेना के घर चोरी के इरादे से आया होगा और उसी ने ये हत्या की। जिनकी बात को निकोलाय काटते हुए कहता है कि हत्यारा उस लेडी को बहुत अच्छे से जानता था। निकोलाय की बातें सुनकर कोवलेस कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए, लेकिन डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोलाय से उसका कागज मांगता है जिस पर उसने वॉल्केनो क्रॉस और लैम लिखा था। इसे पढ़कर डिटेक्टिव याको पेट्रोविच पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, जिसके जवाब में निकोलाय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, ये सब उसके हाथ ने खुद से लिखा। पर कोवलेस की कहता है कि वॉल्केनो मिस ओटांचिकिया एलेना के घोड़े का नाम है, जिस पर याको पेट्रोविच घोड़े की देखभाल करने वाले नौकर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच उस नौकर जिसका नाम वेनिया होता है के गले से उसका लॉकेट जो कि एक क्रॉस होता है छीन लेते हैं। वो क्रॉस को ले जाकर मिस एरिना के हाथ में बने क्रॉस के निशान से मिलाते हैं जो परफेक्टली फिट हो जाता है, क्योंकि ये निशान उनके हाथ पर तब आए होंगे जब अतारे ने उन्हें मारने की कोशिश किया होगा। इस बात से डिटेक्टिव याको पेट्रोविच ये निष्कर्ष निकालते कि वेनिया ने ही मिस एलिना का हत्या पैसों के लिए किया होगा, लेकिन वेनिया बताता है कि मिस एलिना के पास पैसे थे ही नहीं, बल्कि वो किसी व्यापारी से इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वेनिया आगे बताता है कि वो और मिस एलिना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब मिस एलिना ने किसी और से शादी करने का फैसला किया तो वेनिया उससे झगड़ने लगा और ना जाने कब उसने मिस एलिना की जान ले ली। डिटेक्टिव याको पेट्रोविच निकोलाय को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी की वजह से ये केस सुलझा। अगले सीन में हम निकोलाय को कुछ किताबें को जलाते हुए देखते हैं और उसका सवर्ण उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और उनकी बातों से पता चलता है कि निकोलाय एक राइटर है जिसने किताबें छपवाई और वो अपनी ही किताबों को जला रहा है। निकोलाय सारी किताबों को जलाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह डिटेक्टिव याको पेट्रोविच आते हैं जो एक आधी जली हुई किताब को उठाते हैं। तब तक निकोलाय भी नींद से जाग जाता है और डिटेक्टिव याको पेट्रोविच उससे कहते हैं कि उन्हें एक राइटर की जरूरत है, जिस पर निकोलाय कहता है कि मैं आपका राइटर बन सकता हूँ। जिसके बाद हम निकोलाय और डिटेक्टिव याको पेट्रोविच को एक घोड़े गाड़ी में किसी गांव में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उस गांव में हाल ही में तीन लड़कियों का हत्या हुआ है जिसके छानबीन के लिए वो दोनों डिकन का गांव जा रहे होते हैं। पर फिर से रास्ते में निकोलाय को किसी लड़की का विजन आता है जिस लड़की के बारे में हमें आगे पता चलेगा। लाश की चीर फाड़ से निकोलाय काफी घबरा जाता है, इसलिए बाहर की साफ हवा लेने के लिए बाहर चला जाता है, पर तभी उस पर एक घोड़ा हमला कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है।
जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो उसी लड़की के सामने होता है जिसका विजन उसे सफर में नजर आया था। उस लड़की का नाम लीजा था, जो निकोलाय से बताती है कि उसके घोड़े ने बेकाबू होकर निकोलाय पर हमला कर दिया, इसलिए वो उसे अपने घर ले आई। तभी वहाँ डेनिशवेज का एलेक्सी नाम का आदमी आता है, जो लीजा का पति होता है। निकोलाय और एलेक्सी गाँव में हुए हत्या की बात कर रहे होते हैं कि अचानक से लीजा की तबीयत खराब होने लगती है। लीजा को एलेक्स दवा देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। निकोलाय भी एलेक्सी से विदा लेता है और एलेक्सी का घोड़ा लेकर वहाँ से जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में उसे वही रहस्यमय घुड़सवार दिखता है, जिसके शरीर पर बहुत सारे सींग निकले होते हैं। वो निकोलाय का पीछा करता है और निकोलाय उसे बचने के लिए अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है और अनजाने में किसी विंडमिल के बड़े पंखे से टकराकर गिर जाता है। होश में आने पर उसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है। लड़की अपना नाम उकसाना बताती है और उससे सवाल करती है कि उसे हुआ क्या था। निकोलाय बताता है कि उसके पीछे वही रहस्यमय घुड़सवार लगा हुआ है, लेकिन उकसाना कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं है। उकसाना उसे चाय देती है और निकोलाय उकसाना से तीन लड़कियों की हत्या के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ तीन से ज्यादा हत्या हुए हैं। जिसके बाद अचानक से निकोलाय बेहोश होने लगता है और उसे लगता है कि शायद चाय में कोई बेहोशी की दवा थी। कुछ देर बाद उसे अपने बेड पर होश आता है और अगले सीन में हम निकोलाय को डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच के साथ देखते हैं, जिन्हें वो उकसाना के बारे में बताता है और ये भी कि वो उसे गांव के बाहर बने मिल के पास मिली थी। लेकिन पुलिस हेड अलेक्जेंडर से पता करने पर वो बताता है कि यहाँ पर 30 साल पहले एक मिल हुआ करता था, लेकिन अब कोई भी मिल नहीं है। डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच निकोलाय को लेकर गाँव के बाहर बने मिल के पास जाते हैं, जो बहुत पुराना और टूटा फूटा होता है। लेकिन जब निकोलाय इससे टकराया था तब ये मिल एकदम सही सलामत था। तो क्या वो घटना सिर्फ उसका एक सपना था? ये पहेली आगे सुलझेगी। निकोलाय सबके सामने उकसाना का जिक्र करता है, जो मिल की ओनर की बेटी थी, जिस पर अलेक्जेंडर के साथ आया हुआ एक आदमी उसे बताता है कि 30 साल पहले यहाँ उकसाना नाम की लड़की रहती थी और शैतान ने उकसाना समेत दर्जनों लड़कियों को मार दिया था। रात में निकोलाय को फिर से सपना आता है, जिसमें वो उकसाना को देखता है और उकसाना उससे किसी लेडी को ढूंढने को कहती है और वो उस लेडी को ढूंढने लगता है, जो दरअसल एक शैतान निकलती है। नींद से जगने पर वो डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच को लेकर फिर से उसी मेल के पास जाता है, जहां उन्हें एक लेडी का कटा हुआ हाथ मिलता है। वो दोनों वहां से वापस आते हैं और उन्हें वो लेडी मिल जाती है जिसका हाथ कटा था। दोनों उसका पीछा करते हैं और वो लेडी निकोलाय पर हमला कर देती है। भाग्य से डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच उसे बचाने आ जाते हैं, लेकिन वो लेडी अपने बचे हुए एक ही हाथ से उन्हें उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। इसके बाद वो निकोलाय का गला दबाने लगती है। इससे पहले कि वो निकोलाय को जान से मार सके, पुलिस हेड अलेक्जेंडर उसे गोली मारकर ढेर कर देते हैं। सभी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये लेडी भी सभी हत्या के लिए जिम्मेदार है और अब ये कातिल मारा गया। इसलिए डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच और निकोलाय वापस जाने का तैयारी करते हैं। रात में लीजा निकोलाय से मिलने आती है, क्योंकि वो अगले ही दिन चला जाएगा। दरअसल दोनों में ही थोड़ी नजदीकियां बन चुकी होती है, इसलिए दोनों भी किस शेयर करने के बाद इंटीमेट होते हैं। जिस दौरान उसे लीजा के भेस में कभी उकसाना तो कभी कोई और ही दिखाई देती है। इन्हीं सब के बीच उकसाना उसे कहती है कि जग जाओ वरना जिंदा जल जाओगे, जिसके बाद निकोलाय जागता है और अभी जो कुछ हुआ वो बस उसका सपना था। निकोलाय देखता है कि एक घर में आग लगी हुई है और उसके अंदर डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच उसी रहस्य में घुड़सवार से लड़ रहे होते हैं। निकोलाय उन्हें बचाने के लिए अंदर जाना चाहता था, लेकिन गाँव के लोग उसे जाने नहीं देते, जिसके कारण डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच की आग में झुलस कर ही मौत हो जाती है। अगले दिन अलेक्जेंडर निकोलाय के सामान के साथ डिटेक्टिव याकोब पेट्रोविच की जली हुई शव रखवाते हैं, जिससे वो अपने साथ उनकी शरीर उनके परिवार के पास ले जाए ताकि वो उसे श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन निकोलाय वहाँ रुकने का फैसला करता है, क्योंकि असली कातिल अब भी खुला घूम रहा है। अब सीन उस लेडी की लाश की तरफ मुड़ जाती है, जिसे अलेक्जेंडर ने गोली मारकर ढेर कर दिया था। उसकी लाश के पास रहस्यमय घुड़सवार यानी कि शैतान आता है और देखते ही देखते उसे जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो लेडी बताती है कि निकोलाय के पास से उसे बहुत ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ, जिसे सुनने के बाद वो शैतान फिर से उस लेडी को मार देता है और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको इसका आगे का चैप्टर देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।